बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास फाइव, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा अपनी उर्दू की वर्कबुक ओपन करें। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 12, सिफ्त के तीन दर्जे। सिफ्त क्या होती है? खूबी। खूबी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। आज हम उसके दर्जों के बारे में पढ़ेंगे। कराची एक बड़ा शहर है। कराची लाहौर से बड़ा शहर है। यहाँ कराची की तारीफ और यहाँ पर कंपेरिज़न किया गया। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मतलब यहाँ उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई, मतलब उसको बताया गया। पहले जुमले में कराची की तारीफ की गई है कि वो एक बड़ा शहर है। ये सिफ्त का पहला दर्जा है। इसे तफसीले ज़ाती कहते हैं, मतलब पॉजिटिव डिग्री। पहले दर्जे को क्या कहते हैं? तफसीले ज़ाती, यानी पॉजिटिव डिग्री। दूसरे जुमले में कराची का मुकाबला बड़ाई में लाहौर से किया गया, मतलब कंपेरिजन किया गया, बड़ाई बयान की गई और बताया गया कि वो लाहौर से बड़ा है। ये सिफ्त का दूसरा दर्जा है। इसे तफसीले बाज़ यानी कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं। जब हम किसी चीज़ की बड़ाई बयान कर रहे होते हैं तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं? कंपेयर कर रहे होते हैं, कंपेरिजन कर रहे होते हैं, उसे हम कंपेरेटिव डिग्री यानी तफसीले बाज़ कहते हैं। तीसरे जुमले में कराची का मुकाबला पाकिस्तान के तमाम शहरों से किया गया और बताया गया कि वो सब शहरों से बड़ा है। ये सिफ्त का तीसरा दर्जा है। इसे तफसीले कुल, मतलब सब्जेक्टिव, कोई खासियत बताई गई ना, सबसे बड़ा होना खास किया गया उसे, तो उसे क्या कहेंगे? तफसीले कुल यानी सब्जेक्टिव डिग्री। यहाँ नीचे हमें एक नोट दिया गया है। नोट: उर्दू में फ़ारसी के बहुत से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। फ़ारसी में तर लगाने से सिफ्त का दूसरा दर्जा तफजीले बास और तरीन लगाने से सिफ्त का तीसरा दर्जा तफजीले कुल बन जाता है। मसलन बद, बदतर, बदतरीन, कम, कमतर, कम तरीन वगैरह। बेटा आपने ये तीनों डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न करना है कि तफसीले ज़ाती क्या है, तफसीले बास क्या है और तफसीले कुल क्या है। इसका पहला दर्जा तफसीले ज़ाती कहा जाता है, जिसमें तारीफ बयान की जाती है, जिसमें हम बड़ाई मतलब कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज़ को, उसे तफसीले बास कहते हैं यानी कंपैरेटिव डिग्री, और जिसमें हम उसकी खासियत को बताते हैं उसे तफसीले कुल यानी सब्जेक्टिव डिग्री कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखें, उसको अच्छे से लर्न करें। अल्लाह हाफ़िज़।